वह छोटे छोटा सात का गुणज क्या होगा जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 सेंस बचे। तो देखिए, जब भी आपको ऐसा पूछा जा रहा है, छोटे से छोटा पॉइंट नोट कीजिए, क्या है संख्या छोटी छोटी की, उससे छोटी कोई संख्या संभव नहीं है जो कि इनमें से भाग देने पर प्रत्येक दशा में सेंस फल 4 छोड़ेगी। ठीक है, तो सर्वप्रथम आप क्या ज्ञात करेंगे इनके लिए एलसीएम, उसके बाद उसको 7 के गुणज में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इनका एलसीएम लेते हैं, दो का भाग गया 3 बार, 9 में नहीं जा रहा है, 15 में नहीं जा रहा है, 18 में आपका 9 बार, फिर आपका 3 का भाग 3 में 1 बार, 9 में 3 बार, 3 बार 15 में 5 बार, फिर 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 बार 5 में नहीं जा रहा है, फिर 5 का भाग 5 में आपका 1 बार। तो यहाँ आपका एलसीएम क्या आ गया, ये जो फैक्टर आए इनका गुणा, गुणा किया कितना आ गया 90। ठीक है, अब ये जो 90 है ये छोटी छोटी संख्या है और दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य है, विभक्त हो रही है, और हमें क्या चाहिए इसमें 7 का गुणन चाहिए और शेषफल 4 बचना चाहिए। तो यदि इसमें हम 4 जोड़ देंगे तो क्या बचेगा, प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 बचेगा, लेकिन क्या चाहिए 7 का गुणज, तो इसको हम 7 का गुणज बनाएंगे, कैसे, 90k+4। अब 90 में यदि हम 7 का भाग देते हैं तो माइनस किया 2 आ गया, 7 × 2 = 14, माइनस किया 6 आ गया। तो इसको 90 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 90 को लिख सकते हैं हम 7 × 12, ये के आपका 7 रहेगा, प्लस 6, ठीक है, और के आपका 7 रहेगा और प्लस 4 है। अब ये आपको समझ नहीं आया कि ये कैसे लिखा, देखिए बिल्कुल सिंपल है, भाज्य बराबर क्या रहता है, भागफल गुणा भाजक प्लस आपका शेषफल, ऐसे रहता है। अब यहाँ पर 90 बराबर ये लिखा और 90 के साथ यदि k है तो इनके साथ भी k आएगा और इसके साथ भी k आ गया, ये 90 के जगह ऐसा लिखा जाएगा और 90 के साथ k है तो इनके साथ भी k आ गया। ओके, अब यहाँ पर हम k का क्या वैल्यू रखें जिससे कि यह, तो देखिए 7 का गुणज है, यह भी 7 का गुणज बन जाए, तो k का हम अलग अलग वैल्यू रख कर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम k का वैल्यू यदि 4 रखें, 4 × 24 + 4 = 28 हो जाएगा, तो k बराबर 4 रखने से 28, 7 से विभाज्य, मतलब यह 7 का गुणज बन जाएगा, तो k बराबर हमने कितना रखा 4, कैसे, यहाँ से हमने यह वैल्यू कैलकुलेट किया, कितना आ गया, ये 360 + 4 = 364, यही आपका यहाँ उत्तर है। ओके, आसान है, तो इस तरह के प्रश्न को ऐसे है जो आप हल कर सकते हैं।